वेलकम टू मिस्टर बॉलीवुड। फिलहाल में ही सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी की फिल्म डबल एक्सएल का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, जिसमें क्रिकेटर शिखर धवन भी नजर आ रहे हैं। और ये फिल्म शिखर धवन की डेब्यू फिल्म होने वाली है, जिसमें ये पहली बार किसी फिल्म में एक्टिंग करते हुए दिखेंगे। लेकिन ये ऐसे पहले क्रिकेटर नहीं हैं जो कि फिल्मों में नजर आएंगे। इससे पहले भी कई क्रिकेटर्स ने फिल्मों में एक्टिंग किया है, और इस वीडियो में हम उन्हीं क्रिकेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने फिल्मों में एक्टिंग किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन, अजय जडेजा। अजय जडेजा एक ऐसे इंडियन क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने साल 1992 से लेकर 2000 तक इंडियन क्रिकेट टीम में रेगुलरली अपना प्रेजेंस बनाया हुआ था, और इस बीच इन्होंने 15 टेस्ट मैचेस और 196 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में प्ले किया। इन्हें अपने टाइम में एक सेफ प्लेयर के साथ साथ वेस्ट फील्डर्स में से एक माना जाता था। अजय जडेजा ने क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद बॉलीवुड में अपना लक ट्राई करना चाहा, जिसके बाद वो साल 2003 की फिल्म खेल में एक इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग रोल प्ले करते नजर आए, जिसमें सनी देओल और सुनील शेट्टी लीड रोल्स में नजर आए थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एक फ्लॉप रही, और इसी के साथ अजय जडेजा को अपनी डेब्यू फिल्म से थोड़ा सा भी सक्सेस नहीं मिला। हालांकि अपनी डेब्यू फिल्म के फ्लॉप होने के कुछ साल बाद ये फिर से साल 2009 की फिल्म पल पल दिल के साथ में लीड रोल प्ले करते नजर आए, लेकिन ये फिल्म भी एक फ्लॉप रही। और फिल्म के फेलवर से डिसअपॉइंट होने के बाद इन्होंने एक्टिंग को गिव अप करना ही बेहतर समझा। हालांकि लास्ट टाइम इन्होंने साल 2013 की फिल्म काइपोचे में एक कैमियो करते नजर आए, और इन्होंने इस फिल्म में एक क्रिकेट कमेंटेटर का रोल प्ले किया था। नंबर टू, विनोद कांबली। विनोद कांबली इंडियन क्रिकेट टीम के एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन रह चुके हैं, जिन्होंने 23 साल के एज में अपना लास्ट टेस्ट मैच और 28 साल के एज रियर का लास्ट ओडीआई खेला। यंग एज में ही काफ़ी सक्सेस मिलने के बाद विनोद कांबली इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में कुछ खास सक्सेस नहीं अचीव कर पाए। हालांकि ये क्रिकेट हिस्ट्री में फर्स्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने बर्थडे के दिन वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी मारा था। खैर, क्रिकेट से दूर होने के बाद इन्होंने फिल्मों में काम करने का डिसीजन लिया, और साल 2002 की बॉलीवुड फिल्म अनर्स से अपना डेब्यू किया, जिसमें इन्होंने एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया। लेकिन ये फिल्म एक फ्लॉप रही, जिसके बाद ये फिर से साल 2009 की फिल्म पल पल दिल के साथ में सपोर्टिंग रोल प्ले करते नजर आए, जिसमें एक से क्रिकेटर अजय जडेजा ने लीड रोल प्ले किया था। इसके अलावा ये डीडी नेशनल के टीवी सीरियल मिस इंडिया के साथ साथ बिग बॉस में भी नजर आए। हालांकि इन्हें आखिरी बार एक कन्नड़ा फिल्म में देखा गया। नंबर थ्री, हरभजन सिंह। हरभजन सिंह इंडिया के एक फेमस क्रिकेटर रह चुके हैं, जिनको शायद ही किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। ये एक स्पिन बॉलर रहे हैं जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर के दौरान कई बार इंडिया का नाम रोशन किया है। हरभजन सिंह अपने क्रिकेट करियर के दौरान साल 2004 की बॉलीवुड फिल्म मुझसे शादी करोगी से पहली बार किसी फिल्म में नज़र आए थे, जिसमें उनके साथ कई और फेमस क्रिकेटर्स ने स्पेशल अपीयरेंस दिया था। इसके अलावा इन्होंने पंजाबी फिल्म भाजी इन प्रॉब्लम और हिंदी फिल्म सेकेंड हैंड हस्बैंड के साथ साथ एक तमिल फिल्म में भी स्पेशल अपीयरेंस दिया। हालांकि इन सब के बाद इन्होंने फिर से एक तमिल फिल्म में काम किया, जिसमें इन्होंने लीड रोल प्ले किया था, और यही फिल्म अब तक इनकी लास्ट फिल्म है, जिसके बाद ये किसी फिल्म में नज़र नहीं आए। नंबर फोर, योगराज सिंह। युवराज सिंह के फादर योगराज सिंह इंडिया के एक फास्ट मीडियम बॉलर रह चुके हैं, जिन्होंने अपने करियर में एक टेस्ट और 6 वनडे इंटरनेशनल मैचेस को खेला है। लेकिन इंजरी के कारण करियर खत्म होने के बाद इन्होंने पंजाबी सिनेमा में काम करना शुरू कर दिया, जहां इन्होंने कई सारी पंजाबी फिल्में की और एक पॉपुलर पंजाबी एक्टर बन गए। पंजाबी फिल्मों का एक पॉपुलर एक्टर बनने के बाद इन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया, जहां ये तीन थे भाई, सिंह इज ब्लिंग और भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स प्ले करते नजर आए। भाग मिल्खा भाग में इन्होंने मिल्खा सिंह के कोच का कैरेक्टर प्ले किया, जिसके लिए इन्हें काफ़ी तारीफें मिली, और ये इनके एक्टिंग करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस भी रहा। हालांकि इन्हें द कश्मीर फाइल्स में भी एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए कास्ट किया गया था, मगर दिल्ली में चल रहे फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान इनके हेजफुल और कंट्रोवर्शियल स्पीच के कारण इस फिल्म से इन्हें निकाल दिया गया। नंबर फाइव, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर इंडिया के एक ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जिन्हें क्रिकेट हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट बैट्समैन में से एक माना जाता है, जिसका एक बहुत बड़ा रीज़न फास्ट बॉलिंग के खिलाफ इनका टेक्निक रहा। क्रिकेट करियर के दौरान ही इन्होंने भी फिल्मों में अपना हाथ आजमाया, और साल 1980 की मराठी फिल्म सावली प्रेमाची से इन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया, जिसमें ये लीड रोल प्ले करते दिखे। लेकिन इस फिल्म को कुछ खास सक्सेस नहीं मिला, जिसके बाद ये साल 1988 की हिंदी फिल्म मालामाल में एक गेस्ट रोल में नजर आए। हालांकि क्रिकेट करियर के बाद इन्होंने कॉमेंटेटरी में अपना नाम बनाया और आज एक पॉपुलर कॉमेंटेटर भी हैं। नंबर सिक्स, एस श्रीसंत। श्रीसंत इंडियन क्रिकेट टीम के एक बॉलर होने के साथ साथ ही एक टेल एंडर बैट्समैन भी हैं, जिन्होंने क्रिकेट के हर फॉर्मेट में खेला है। 2013 के आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के कारण इन पर लाइफ टाइम बैन लगाया गया, मगर फिर इस बैन को 7 साल तक कर दिया गया।
श्रीसंत ने साल 2022 में डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन ये एक क्रिकेटर होने के साथ साथ एक एक्टर भी हैं, जिन्होंने साल 2017 की फिल्म अक्सर ट्रू से एक्टिंग में अपना डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया। अक्सर टू और कैबरे जैसी दो हिंदी फिल्मों के अलावा श्रीसंत ने मलयालम, कैनेडा और तमिल फिल्मों में भी काम किया है और अभी भी ये फिल्मों में पूरी तरह से एक्टिव हैं। इसके अलावा श्रीसंत बिग बॉस जैसे कई टीवी शोज का पार्ट भी रह चुके हैं। नंबर 7 है नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू के पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा रीज़न सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला द कपिल शर्मा शो रहा है, जिसमें ये गेस्ट के तौर पर नजर आए। अगर इनके क्रिकेट करियर को देखा जाए तो ये अपने 19 साल के करियर में टॉप ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर 51 टेस्ट और 136 वनडे इंटरनेशनल मैचेस का हिस्सा रहे हैं और इन्हें अपने सिक्स मारने के एबिलिटी के कारण सिक्सर सिद्धू का टैग मिला। क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद ये कमेंट्री और टेलीविजन से जुड़ गए, जहां ये बिग बॉस और कपिल शर्मा के शो में नजर आए। मगर टीवी के अलावा इन्होंने फिल्मों में भी काम किया और मुझसे शादी करोगी फिल्म का वो क्लाइमेक्स कौन भूल सकता है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कई सारे क्रिकेटर्स ने एक साथ कैमियो अपीयरेंस दिया था। इसके अलावा इन्होंने पंजाबी फिल्म मेरा पिंड में एक सपोर्टिंग रोल के साथ साथ ही हिंदी फिल्म ABCD2 में भी एक कैमियो रोल प्ले किया था। नंबर 8 इरफान पठान। इरफान पठान इंडिया के एक ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने एक बॉलर के तौर पर अपने क्रिकेट के करियर को स्टार्ट किया और फिर एक ऑलराउंडर भी रहे। इन्होंने साल 2007 की ICC T20 वर्ल्ड कप और साल 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के लिए खेला और एक इम्पोर्टेंट प्लेयर रहे। मगर क्रिकेट से जुड़े होने के साथ ही ये पहली बार मुझसे शादी करोगी फिल्म के क्लाइमेक्स में नजर आए, जिसके बाद ये साल 2015 में डांस रियलिटी शो झलक दिखलाजा में एक कंटेस्टेंट रहे और फिर जब इन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया तो साल 2022 की तमिल फिल्म कोबरा से अपना प्रॉपर डेब्यू किया, जिसमें विक्रम लीड रोल में थे और इन्होंने एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया। हालांकि कोबरा फिल्म इरफान पठान की अभी तक की लास्ट फिल्म है और हो सकता है कि ये फ्यूचर में हमें और भी फिल्मों में नज़र आए। नंबर 9 युवराज सिंह। युवराज सिंह इंडिया के कुछ सबसे ज़्यादा स्टाइलिश और फेमस क्रिकेटर्स में से एक हैं, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में खेल चुके हैं। युवराज सिंह अपने क्रिकेट करियर के दौरान अपनी एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल के लिए जाने जाते थे और इंग्लैंड के खिलाफ साल 2007 के वो ICC T20 वर्ल्ड कप का मैच कौन भूल सकता है, जिसमें युवराज ने स्टुअर्ट ब्रॉड के 6 बॉल्स पर 6 छक्के। अपने करियर के दौरान इन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन अपने क्रिकेट करियर को शुरू करने से बहुत पहले ही युवराज सिंह फिल्मों में काम कर चुके थे। एक्चुअली इनके फादर योगराज सिंह जब पंजाबी फिल्मों में काम किया करते थे, तब युवराज सिंह ने भी चाइल्ड एक्टर के रोल में अपने फादर के कुछ फिल्मों में काम किया था। इसके अलावा युवराज सिंह ने एनिमेटेड हिंदी फिल्म जम्बू में भी एक कैरेक्टर को अपना आवाज़ दिया था। नंबर 10 कपिल देव। अगर बात जब भी इंडिया के क्रिकेट लेजेंड्स की होगी तो कपिल देव का नाम ज़रूर आएगा। कपिल देव इंडिया के मोस्ट फेमस और टैलेंटेड क्रिकेटर्स में से एक हैं, जो कि एक फास्ट मीडियम बॉलर होने के साथ साथ एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी रहे हैं। इनके कैप्टेंसी में इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप साल 1983 में जीता और इसके साथ ही ये वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले इंडियन कैप्टन रहे। लेकिन क्रिकेट से रिटायर होने के बाद ये कई फिल्मों में भी नज़र आए और हर बार ऑडियंस फिल्म में इनको देखकर काफ़ी खुश हो जाती। कपिल देव ने सबसे पहले अपना एक्टिंग डेब्यू पॉपुलर टीवी सीरियल CID से किया। CID के इस एपिसोड में एयरपोर्ट पर कपिल देव के लगेज से एक गन मिलता है, जो कि उनका नहीं होता, जिसके बाद CID की टीम इस केस को हैंडल करती है। इसके अलावा ये मुझसे शादी करोगी, इकबाल, चैन कुली की मैन कुली और अपनी बायोपिक 83 में स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नज़र आए। तो ये थे वो क्रिकेटर्स जिन्होंने क्रिकेट के अलावा फिल्मों में भी अपना डेब्यू किया और एक्टिंग के फील्ड में भी खुद को इंट्रोड्यूस किया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आप किस क्रिकेटर को एक अच्छा एक्टर मानते हैं।